सुमेध सैनी बादलों का चहेता पुलिस अफसर से दागी होने के बावजूद सुमेध सैनी नू बादलों ने पलकों से बैठा उच्च अहुदे नाल नवाजिया कि सोशल मीडिया उपर सुमेध सैनी नू लैके बादलों उपर लग रहे यह इल्जाम दुरुस्त हैं पर जे कोर्ट विच बादलों की हकूमत वेले एडवोकेट जनरल वालों सुमेध सैनी के हक विच इस नू बेस्ट ऑफिसर साबित करन दीआं दलीलां दित्तीआं गईआं उस सूरत विच इह सवाल वाजिब लगन लगते हैं। बलवंत सिंह मुल्तानी वाले मामले च 29 वरिया बाद सुमेध सैनी दे उस अतीत नू सामने लियांदा है पर यह भी सच्चाई है कि बेगुनाही सिख नौजवानों के कतल के मामले विच किरिया रहा यह पुलिस अफसर खुद नू पंथक धिर कहाउंदे अकाली दल बादल दीआं अखां दा तारा रहा। बादलों वालों ही उसनू दो वार उच्च पुलिस अहुदे ते नवाजिया गया अते उसनू बेस्ट ऑफिसर मन्निया जांदा सी। उस वेले दे एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल दी पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच स्टेटमेंट है कि सैनी इक काबल अते ईमानदार अफसर है जो अपनी ड्यूटी बड़ी ही तनदेही नाल करदा है अते बड़ी ही निडरता नाल उसने अतवाद वर्गे हालातों दा मुकाबला कीता। अग्रवाल वालों बन्ने तारीफा दे पुल सुमेध सैनी नू पंजाब पुलिस मुखी लाउण खिलाफ पाई पटीशन दौरान कोर्ट च दिते गए सन। हालांकि पटीशन विच सैनी खिलाफ सीबीआई कोल चलदे मामलियां अते उस उपर लगदे इल्जामां नू आधार बना के सवाल चुके गए सन पर उस वेले बादल हकूमत दौरान इस दागी मन्ने जांदे पुलिस अफसर नू किस पद्धर तक दी फुल सपोर्ट सी अंदाजा लाया जा सकता है कि उसके केस सरकारी वकील किस हद तक जाके लड़ रहा सी कि बादलों की अज भी सुमेध सैनी बारे यही धारणा है यह जवाब हर कोई लेना चाहता है। क्योंकि डीजीपी बड़ा वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर ही हैड वर्क ड्यूरिंग डेज ऑफ टेररिज्म सो वी स्टेटेड दैट ही मस्ट ही मेड मेनी एनिमीज आल्सो तो बिजनेस के दौरान इन्हें बड़िया परचे किए FIR कीतियां ऑपराइट ऑफिसर है ते इस करके कई लोगों नू नहीं पसंद सी। उधर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे प्रधान परमजीत सिंह सरना ने भी इस नू लैके सवाल चुके हैं। उन्हों का कहना है कि पंजाब की कैप्टन सरकार नू अपील की है कि साबका DGP सुमेध सैनी विरुद्ध हाईकोर्ट के हुक्म से बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में FIR दर्ज होने पिछों बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोष हेठ भी साबका पुलिस मुखी से FIR दर्ज करवाई जाए क्योंकि बादलों के इशारे से सैनी ने सिखा विरुद्ध जुल्मां की खेड खुल के खेडी। उन्होंने कहा कि अज तक बादलों ने सुमेध सैनी पुष्ट पढ़ाई करके उसनु बचाया है अते उच्च अहुदे दे के नवाज के अपने सियासी विरोधियों नु ठिकाने लाया अते अज सरदार प्रकाश सिंह बादल दे चहेते वकीलों ने ही सैनी दी अदालत विच पैरवाई की थी जिस तो साबित हुंदा है कि सिखा विरुद्ध बादल किस हद तक जा चुके हैं। उन्होंने कहना है कि निजी खुंदक लई सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी नु मार खपा दिता। बादलों ने सिख विरोधी कार्यां बारे हुण दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार सिरसा भी चुप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कैप्टन सरकार तो भी मांग की है कि बादलों के चहेते सुमेध सैनी विरुद्ध बरगाड़ी मामले च भी मामला दर्ज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब केस आया चाहिदा यह सी कि सुमेध सैनी केस लड़े, ठीक है, पर सुमेध सैनी केस नहीं लड़िया, केस लड़ी पंजाब की सरकार। ਬਈ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ DGP ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਨਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਇਸਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਬਰਗਾੜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।